आज से हमारी नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप शुरू हो रही है। कहाँ की? नेपाल की। Makes you active whole day. क्या की लेंगे? नंबर नंबर बैक साइड। चश्मा उतार के रहो ना भाई, दिख नहीं रहा। ओ दावा सर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। ओ भाई बिल्कुल बॉर्डर के बीच पे खड़ा हूँ, एलओसी पे। तो भाई एक बार आपको दिखा दे बाहर का नजारा, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, कोई नजारा नहीं है। और कमरे का नजारा भाई, सारा सामान फैला हुआ है। और दावा जी को टाइम दिया था कि 9 बजे हम एग्जैक्ट नीचे पहुंच जाएंगे, 9:36 यहीं पर हो रहे हैं। भाई उठा ले सामान, उठा ले। यार कैसे बंदे हो यार, देखो वो रात का खाना पड़ा यार, खाना ही भूल गए। ये चिप्स इसने डाले हैं आमिर ने, थोड़ी सी खाली जगह दिख रही है जहाँ खाली, ऐसे ही होता है भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। और हमारे साथ क्या होता है ना, जितना भी सामान हमें यहाँ दिखता है कि ये पड़ा हुआ है और हमें लेकर जाना, और हमारे बैग में जगह नहीं है। जिसका बैग दिखता है ना, जिसका भी दिखता है उसमें घुसा देते हैं। चीफ इसके बैग में घुसा दिए और रात का अभी तक हमारा वो नहीं उतरा, डांस करने का नशा। इतना डांस किया अभी तक हल्का हल्का शरीर टूट रहा है, लेकिन ठीक है। बाइक चलानी है, ज्यादा नहीं चलानी, आज चलानी सिर्फ 300 किलोमीटर। और आज से हमारी नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप शुरू हो रही है। कहाँ की? नेपाल की। तो हमने आपको बताया नहीं था ना, ये आपके लिए सरप्राइज था। भूटान से अभी हम निकल रहे हैं, अभी हम हैं पारो में, पारो से निकलेंगे बॉर्डर, बॉर्डर से फिर बाहर निकल के सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी के पास ही आगे जाके एक नेपाल का बॉर्डर पड़ता है, वहां से एंटर करेंगे। कहाँ जाएंगे, कहाँ पर क्या करेंगे, वो आपको व्लॉग में धीरे धीरे पता लगता रहेगा। लेकिन यहाँ से जो नजारा है ना, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा। ये देखो बहुत ही बढ़िया। और रात को हम जिस क्लब गए थे ना, इसी बिल्डिंग के नीचे, हमें ज्यादा चलना ही नहीं पड़ा। बाहर निकले क्लब में, घुस गए बाहर, निकले रूम में आ गए। चलो भाई रेडी, चलो चलो। ये लो जी सारा सामान उतर गया नीचे। और ये देखो दावा जी, गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हैं सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग सर, सुबह सुबह हम लोग 4 दिन का बाद हमारा वीडियो अपलोड। अच्छा ब्लॉग देख रहे हैं? ब्लॉग देख रहे हैं। तो होटल का बिल हमने पहले ही दे दिया था, ये सिर्फ खाने पीने का बिल है। अभी देखते हैं कितना बिल बना दिया हमने। यहाँ ज्यादा खाया नहीं हमने, एक्चुअली बाहर ही खाया ना सारा। 3474 ठीक है। दावा जी आपका हिसाब सारा क्लियर है? कुछ पेंडिंग है? 2500 पेंडिंग है ना जी। लो यहाँ होता है दावा जी का हिसाब पूरा क्लियर। थैंक यू फॉर योर टिप्स। टिप्स? अच्छा ये टिप दे दी हमने 2500 रुपए। तो ब्रेकफास्ट करने से पहले हमने सारा सामान सेट कर लिया, अब सीधा ब्रेकफास्ट करेंगे। बाइक का वार्म अप भी नहीं करा, वार्म अप करेंगे ब्रेकफास्ट करने के बाद ही। तो कल हमें मार्केट में एक सब्सक्राइबर भी मिले थे ना, उन्होंने ये दिया था, उसके अंदर क्या क्या है, एक भूटान का मैग्नेट है और एक और मैग्नेट है बस, और ये सुंदर सा पाउच है। दादियों के पास होता था पुराने टाइम में ना ऐसा पाउच, इसमें पैसे छुपा के रखती थी, मेरी दादी भी रखती थी। हम मांगते थे ना, फिर इसमें से निकाल के देती थी, 10 रुपये 20 रुपये ऐसा रहता था उनके पास ही पाउच ना, ऐसे छुपा हुआ, कोई नहीं देख रहा। फिर यहाँ से निकाले, 10 का नोट पकड़ा दिया, जा मौज कर। तुम्हारी भी दादी के पास होता था? है बीबी के पास होता था, सबके पास होता, सबके पास सेम ऐसा पास। जैसे किसका है ये पता नहीं, किसका ये, इन्होंने अभी दिया है, किसी ने यहीं पर रिसेप्शन पर छोड़ दिया। अब हर्ष मेरे भाई, ये किसका है? रिसेप्शन पे छोड़ा हुआ था। तुम दोनों में से किसी का नहीं है ना पक्का? नहीं हमारा ही बात होगा, हमें याद ही नहीं कल का। याद ही नहीं है? ये कल गिफ्ट दिया था मार्केट में, रिसेप्शन पे किसी ने रखा हुआ था। अरे मेरा। ये देखो। थैंक यू। मैम ब्रेकफास्ट लगा दीजिए। ओए तुम वहां का बैठ गई, तुम्हारे लिए तो ये है ना, चलो इस पे बैठो। यहाँ अपना पानी गिलास रखना। क्या एज खत्म हो गया? यहाँ पे पानी का गिलास रखना, आराम से बैठना। ये खुलता कैसे है? ऊपर ऐसे ही बिठाते बीबी को। अच्छा हमारे टाइम में तो होता ही नहीं था। हमारे टाइम में तो होता था। तुम्हारे टाइम में होता था ना, मतलब हमारे वहाँ पर ये नहीं होता था, मतलब मेरे घर में। हम तो ऐसे कहीं पर ही पड़े रहते थे, मम्मी खाना देती इसके अंदर बिठा के। ये मेरे को लग रहा है जितने भी अमीर बच्चे होते हैं उनके घर पे होता ही है। ऐसा कुछ नहीं। आप क्या बोलते हो? मेरे को ऐसा लगता है। इन्होंने ऐसे क्यों काट के दिया? लेकिन साबुत पराठा पकड़ा देते हैं, उसमें तोड़ तोड़ के खाओ। आपकी शक्ल देख के बोलते हैं पूरा साबुत ही खा जाएगा, इसलिए इसको काट के दो। फॉर बीक मांगिंग पुटिंग दिस दही, पुट इट ऑन योर प्लेट नो, आई नीड अ कटोरा। चलो लेट्स गो। आज का हमारा प्लान यही है कि सिलीगुड़ी तक तो पहुंच जाएंगे, अगर टाइम रहा तो आज ही नेपाल एंटर कर जाएंगे, क्योंकि वहां पर भी बॉर्डर वाला इशू होता है, डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी कराने पड़ते हैं। तो या तो आज एंटर करेंगे या कल करेंगे, लेकिन वहां ऐसी कोई बसड़ नहीं है कि आपको गाइड चाहिए और इतना पैसा लग रहा है वहां पर। मतलब यहाँ के हिसाब से अगर देखें तो वहां सारा काम फ्री होता है।
200 रुपये मेरे ख्याल से बाइक का लगता है, 250 रुपये एक दिन का। वहाँ डॉक्यूमेंट इजीली बन जाते हैं, यहाँ थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन लेकिन भूटान का टूर हमारा एक नंबर, दिल खुश। पारो से निकलते निकलते अपनी लैंड क्रूजर भी आ गई है, भाई हमें बाय बाय कहने आए हैं। थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत ही बढ़िया। दोबारा आते फिर मिलेंगे, और आप वहाँ आओगे इंडिया तो हमें याद करना, 100% पक्का। चलो बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू, फिर मिलते हैं। चलो भाई सब के सब रेडी, लेट्स गो। और हम लोग मारेंगे यहाँ से यू टर्न। यहाँ के बंदे भाई सच में बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया, मतलब दिल से बढ़िया। और हम लोग निकलेंगे अभी फुंसलिंग बॉर्डर से और पारो के अंदर से होते हुए जाएंगे। ओ भाई साहब, मैं बता रहा हूँ भूटान में पोल्यूशन नहीं है, वो ट्रक कैसा धुआं उड़ाता हुआ जा रहा है। और ये सारा मार्केट एरिया है, कल जहाँ घूम रहे थे ये सारी शॉप्स हैं, अभी काफ़ी खुली भी नहीं है, धीरे धीरे खुलेंगी, दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है। ये टैक्सी स्टैंड है, सारी टैक्सी खड़ी है ना यहाँ पर। यहाँ पर ना ये बढ़िया लगता है, ये बीच बीच में जो स्तूपा बनाए होते हैं ना, देखो रोड के बीच में कितना बड़ा स्तूपा है, ये तो एक है, यहाँ देखो तीन और बने हुए हैं लाइन में, तीन नहीं चार हैं, तीन बड़े एक छोटा, एक दो तीन एंड चौथा। अच्छा बना हुआ पारो ना, बहुत सुंदर है। लेफ्ट साइड से नदी बह रही है, वो सामने भी पहाड़ पे घर हैं, पीछे भी घर थे, वो सामने से एक रोड जा रही है, आई थिंक हम घूम के उसी रोड से निकलेंगे, वो वाली रोड से ना। अभी मेरे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ये एयरपोर्ट है पारो का ना, वो देखो सामने एक प्लेन शायद उड़ने वाला है, इस तरफ कोई आ रहा है, वो खड़े हुए प्लेन बड़े बड़े तीन। मेरे को तो यहाँ पर मज़ा आया, आऊँगा मैं दोबारा आऊँगा, भले मैं बाइक लेकर ना आऊँ, क्योंकि बहुत दूर पड़ता है अपने को, पहले सिलीगुड़ी तक आना पड़ता है, फिर वहाँ से एंटर हो भाई। एयर आएंगे कम से कम 5-6 दिन, यहाँ थिम्पू सारा बिता के जाएंगे, और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। ये रहा एयरपोर्ट की एंट्री, वो खड़ा सामने प्लेन, ड्रू केयर लिखा हुआ है, ड्रू केयर। थिम्पू इज 48, फुंसलिंग 139, फुंसलिंग में ही बॉर्डर है, तो 140 किलोमीटर बाद हमें बॉर्डर मिलेगा, और वहाँ से 157 किलोमीटर आई थिंक सिलीगुड़ी है। आमिर भाई की रात वाली पार्टी का नशा अभी तक उतरा नहीं है, अभी तक ये फुल जोश में है। कल रात को इन्होंने इतना डांस किया, इतना डांस किया, मतलब धूम मचा दी, सारे के सारे बंदे हमें ही देख रहे थे, तो अभी भी ये बाइक पे डांस करते हुए जा रहे हैं, पक्की बात है इंटरकॉम में ना गाने सुन रहे होंगे। ब्रेक क्यों मार लिया था, ब्रेक क्यों करना पड़ेगा, क्वीन मदर, ओके ओके ओके, क्वीन की मदर जा रही थी इसलिए उन्होंने ब्रेक मार ली थी। मैं उनसे पूछ रहा हूँ, एकदम से इमरजेंसी ब्रेक मार ली, तो कह रहे ऐसा मारना पड़ता है, बोला चलते चलते साइड में ब्रेक मार ली थी, सामने से क्वीन की मदर आ रही थी, 3-4 गाड़ी आ गई, मेरा गोप्रो ऑफ था, तो मैं इनसे वही पूछा था, मतलब ऐसे कौन ब्रेक मारता है, कह रहे क्वीन की मदर जा रही थी तो हमें करना पड़ता है। From different valley, meeting here. Okay. And then you see three hills. Three hills meeting with the two rivers. It's a bad omen. To resist that problem, they have built three stupa. Okay. One Buddhist style, one Nepali style, one Tibetan style. Okay, that one. Yeah, and they have done the rituals to bring a peace and prosperity. All the travelers. Okay. So that's why it's a very interesting. तो पहले यहाँ पर बहुत एक्सीडेंट होते थे क्या? Because in our Bhutanese belief it's not good na. और इनके Bhutanese में एक चीज और होती है, 6 नंबर जो होता है ना Bhutanese में वो इनके लिए लकी नहीं होता। पहले जब मैंने इनको बताया था ना हम 5 राइडर आ रहे हैं, तो कह रहे मेरे को मिला के 6 हो जाएंगे, तो 6 ट्रैवल करना लकी नहीं है, तो तुम 6 आओ मैं 7वां हो जाऊंगा, या तुम 4 आओ मैं 5वां हो जाऊंगा, 5 ट्रैवल करो या 7 ट्रैवल करो, 6 राइडर साथ में ट्रैवल मत करो, ये इन्होंने मेरे को बताया था उस टाइम पे। और ये भी बता रहे 3 नदियां मिल रही हैं यहाँ पर, दो नदी और 3 पहाड़ मिल रहे हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, ये 2 नदी, तो ये थोड़ा बैड था इनके लिए, इसलिए यहाँ पर 3 वो बनाया गया स्टूपा, एक नेपाली है, एक बुद्धिस्ट है, और तीसरा एक टिबेटियन है। क्या क्या चीज़ें होती है ना, हर जगह में कुछ ना कुछ अलग होता है। और ये गेट देखो कितना ही सुंदर लग रहा है, सामने यहाँ के राजा जी की फोटो लगी हुई है, बाय बाय कर देते हैं इनको। यहाँ पे हाईवे पे जो रेस्टोरेंट वगैरह बने होते हैं ना वो भी ऐसे ही बने होते हैं, ये देखो रेस्टोरेंट था, ये भी कुछ था, सब कुछ ऐसा ही है, सेम दिखने वाला।
पीछे से देखने में गाड़ी तो i20 जैसी लग रही लेकिन है नहीं, MGS करके है कुछ, BT टैक्सी है, भूटान टैक्सी। ये देखो पराडो, मुझे नहीं पता कौन सा मॉडल है, नया भी हो सकता है पुराना भी हो सकता है। यहाँ पर एक फ़ायदा है, गाड़ी जितनी मर्जी पुरानी हो, 1990 मॉडल भी हो, अगर आपने मेंटेन करी हुई है तो आप चला सकते हो। अभी दिल्ली में तो क्या हो गया ना भाई, 15 साल के ऊपर आप चला ही नहीं सकते पेट्रोल गाड़ी, और डीजल तो 10 साल, मतलब अगर हमने 4-5 करोड़ की गाड़ी कोई ले ली और 10 साल चला सकते सिर्फ उसको, तो क्या ही मज़ा आएगा, वो मिट्टी हो गए सारे पैसे। इसलिए अब महंगी गाड़ी लोगों का लेने का मन ही नहीं करता, मैंने खुद डिफेंडर पेट्रोल लिया ताकि मैं उसको 15 साल चला पाऊँ। फ्लैक्स फ्लैक्स कलरफुल फ्लैग, कितना बड़ा पत्थर यहाँ रखा हुआ है, रखा क्या, गिरा होगा ऊपर से, यहीं छोड़ दिया होगा इन्होंने। तो अपने को लग गए भाई तगड़ी पानी की प्यास। और एक चीज़ आपको और दिखाऊँ, ये देखो बोतल होल्डर। एक्चुअली मांग की बाइक में ना 2 बोतल होल्डर लगे हुए थे, तो एक उतार के मैंने लगा लिया, साइड भी था इस साइड भी था, तो उस साइड वाला किसी काम का नहीं था। बोतल होल्डर ना हमेशा लेफ्ट साइड में होना चाहिए, अगर राइट साइड में होगा ना यहाँ से इंजन बहुत हीट मारता है, पानी पूरा गर्म हो जाता है, इसलिए हमने इसको यहाँ लगा दिया। आराम से पानी पियो, जब बच जाए वापस इसी में डाल दो। कोई भी ऐसा ऑफ रोड पैच आता ना तो मेरे को नेपाल की याद आ जाती है। भूटान की रोड बहुत ही सुंदर है, बीच में 101 मीटर का ऐसा ऑफ रोड पैच आता होगा बस, वो भी करीबन 50-50 किलोमीटर बाद। और नेपाल की सारी रोड ही ऐसी हैं, सुंदर रोड भी है नेपाल में लेकिन ऑफ रोड बहुत है, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ हमने एक स्टॉप लिया, और किस लिए लिया, ये देखो, ये नहीं ये देखो, क्या सही वाटरफॉल है। और सबसे मेन चीज़ दिखाऊँ, ये देखो यहाँ पर छोटी छोटी बर्ड्स नज़र आएंगी, ध्यान से देखोगे ना, ये देखो ये बर्ड्स हमेशा यहीं रहती हैं, बहुत सारी हैं, बहुत सारी छोटी 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 छोटी। और वाटरफॉल बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर। बस ये हमारी कुछ यादें हैं जो जाते जाते हम इकट्ठी कर रहे हैं, साथ लेकर जा रहे हैं, उनकी वीडियो बना रहे हैं, बाद में याद करेंगे कि बॉर्डर से बाहर निकलने से पहले हमने इतना बड़ा वाटरफॉल देखा था, बहुत ही सुंदर है। ये देख लो इसका अभी भी डांस चल रहा है। कल रात को पूरा डांस निकला नहीं था क्या, जो अभी भी चल रहा है। इसका घर जाने का मन ही नहीं है, इसको यही रहना भूटान में ही। ये पहाड़ काट के रोड बनाई होगी, जैसे स्पीति में दिखते ना मैं ऐसे पहाड़ जाते हुए, एक पहाड़ इस तरफ है बाकी रोड इस तरफ है, आगे भी एक और। ड्राइव केयरफुली फॉलिंग बोल्डर्स, पत्थर गिरते हैं भाई यहाँ से। तो यहाँ रुकेंगे 2 मिनट के लिए क्योंकि हमारे गाइड जी को आ रही तगड़ी नींद, अभी तो निकले उनको नींद भी आ गई, तो उन्होंने नींद का इशारा किया। यहाँ पे उनको पिलाएंगे चाय। यहाँ से जो हमारा बॉर्डर रहेगा जो हमें क्रॉस करना है सिर्फ 75 किलोमीटर है। सबसे बड़ी मेरे को पता है यहाँ पर क्या लगता है, ये जो दीवारों पे कारीगरी करी होती है ना, ये लकड़ी की होती है ना, पूरा ड्रैगन बनाया हुआ है। नहीं फिर तो मशीन से होता होगा, क्या सही लग रहा है ना, ड्रैगन बनाया हुआ है। आ गई भाई हमारी ब्लैक कॉफी आ गई, इनको पिलाई है। आप सोते नहीं क्या रात भर, ले लिया पहले बताओ, पूरी रात भर सोते नहीं क्या आप, तो सो गया फिर भी दिन में नींद आता है, वो दोनों सो गए, नहीं सोए ये दोनों, ये दोनों नहीं सोए। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, भाई है भाई, हम भाई है, जिगरी भाई, ये देखो यार उसका दिल। आपने वो इंडिया का मशहूर डायलॉग सुना है, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, हाँ जी सुना है, सुना है, वो तुम्हारे ऊपर है बाप पे, नहीं तुम्हारे ऊपर नहीं है, ये देखो मुंह, देखो मुंह नहीं बंद रहता इनका, ये देखो ये क्या बात हुई, नहीं खाया नहीं खाया। इनके पास जाओगे ना सीधा गालों पे पप्पी ले लेते, कोई भी हो, अनजान बंदा हो, जान पहचान वाला, तुमने अगर इनसे गाल से गाल जोड़े ना ये सीधा ऐसे, तो मैं तो करते इधर फोटो भी करवा रही, ये सीधा ऐसे आएंगे ऐसे करते, नहीं वो उनका बता रहा हूँ ऐसे करते थे, मैं नहीं भाई। लो भाई फाइनली अपने को अपनी छुट्टी मिल गई है, ये बहुत बड़े बड़े पीसीज है, छोटे छोटे वाला नहीं है, स्मॉल पीसीज। जाते जाते हमारे दावा जी के लिए हमारी तरफ से गिफ्ट, दावा जी पूरा टोकरी आपका, इसका पेमेंट मैं करूंगा, ठीक है। अब देख लो इसको कहाँ फंसाओगे आप, दावा जी को मैंने गिफ्ट दिया हमारी तरफ से। इससे बढ़िया चीज तो इनके लिए कुछ नहीं होगी ना, जिंदगी में सबसे प्यारा तुम्हें क्या है बताओ, तामूल। अगर ये नहीं तो इनकी जिंदगी नहीं, 2 दिन के पूरा नहीं चाहिए हम, ये सिर्फ एक से हो जाए। और दिखाना एक बार जेब में, दिखाना जेब में कितने पैकेट है, ये तो जेब में नहीं है, हो ही नहीं सकता, टंकी बैग में रखा है, टंकी बैग में रखा है। एंड नट मुंह से वापसी निकाल के रख दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मेक्स यू एक्टिव होल डे। ये पूरा 2 घंटे का व्लॉग बना सकते हैं इसी पे ही।
दो घंटे का, मुझे नहीं पता क्या बोलेंगे, लेकिन बना सकते हैं, इससे ये फायदा है, ये फायदा, घाटा एक नहीं बताएंगे, सारे फायदे बताएंगे, लेकिन हम भाई इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करते हैं, इससे नशा होता है, लेकिन ठीक है, जो खाता है वो खाए, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, तुम खा रहे हो खाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम जो नहीं खा रहा उसको मना करते हैं कि मत खाओ, शुरू मत करो ये चीज़, दारू मत पियो, बिटल नट मत खाओ, सिगरेट मत खाओ, माय एडवाइस टू ऑल यू, ये सब करते हैं। हमें यहाँ घूमते घूमते खूबसूरत गाड़ी, बहुत ही खूबसूरत गाड़ी नजर आई, मित्सुबिशी, कौन सी गाड़ी, क्या नाम, क्या इसका, पजारो है ये, कौन सा मॉडल है ये, 2012 V6, टू डोर, थ्री डोर कह सकते हैं, डिक्की को भी एक डोर गिन लेते हैं, और क्या सही लग रही है, ये देखो भाई V6 है, कलर भी क्या सही लग रहा है, विंच भी लगा हुआ है, लाइटें भी लगाई हुई हैं, टायर देखो ना, यहाँ सब गाड़ियों में टायर ऐसे होते हैं भाई, सब गाड़ी में टायर ऐसे हैं, हाँ एम्प्टी है, ये एम्प्टी है, देखो ना, पता ही लग रहा है। अच्छा एक चीज़ और दिखाऊँ, यहाँ पर छोटी वाली लाइटें भी लगाई हुई हैं, हाँ 14 pound का विंच। अच्छी गाड़ी अगर इंडिया में आती होती ना 101% हमारे पास होती, लेकिन इंडिया में है ही नहीं यार, हमारे वहाँ पे जिप्सी भी अलाउड नहीं है, जिप्सी भी अलाउड नहीं है, जिप्सी हमने रखी हुई थी, वो तो मेरी ऊपर वाला मॉडल थी इसलिए मैं चला रहा था, नहीं तो पहाड़ों पे चलती, नीचे वाला मॉडल, दिल्ली गुड़गांव में तो कुछ अलाउड ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ भाई, मैं आतंक बचा दूं अगर एक बार गवर्नमेंट बोल देना, हाँ मैं डिफेंडर लेता ना, मैं ऐसी ऐसी गाड़ियां लेके ओपन करवा के पता नहीं क्या क्या करता है इसके अंदर, क्या सुंदर लग रही है यार, ट्रैक्टर लग रहा है ये, V6 इंजन ऐसी गाड़ी में, वो पहले बाइकर दिखे हैं मेरे को यहाँ पर, पहले बाइकर भाई रोड पे घूमते हुए, इन्होंने भी आपको देख लिया, अभी रुकेंगे। यहाँ से जो बाइकर निकल रहे थे ये रे सारे अपने भाई लोग ही हैं, कहाँ जा रहे हो आप, ये तू वीडियो देखते हो हमारी, पक्का है झूठ बोल रहे हो, नहीं सर, थैंक यू बोल दिया, अभी से नहीं सर, आज सबको देखता हूँ ना, बहुत पहले से, ये तो कितना किलोमीटर है यहाँ से, अभी लगभग आपको 1 hour इतना, 1 घंटा लगेगा, और हमें बॉर्डर तक 1.5 घंटा है ना, चलो अच्छा लगा मिलके, ओके बाबा, बंदे यहाँ के भाई सही में बहुत ही बढ़िया नेचर, इतने प्यार से मिलते हैं, जब तक मैं अंदर कॉफ़ी पी रहा था इनको मैंने आते हुए देखा, मैं अंदर कॉफ़ी पीने चला गया और 10 मिनट बाद बाहर आया, ये अंदर नहीं है, ये बाहर ही खड़े रहे मिलने के लिए, मतलब बहुत ही सही लगता है ऐसे यार, और अभी हमने यहीं बैठ के पूरा प्लान कर लिया, आज हम सिलीगुड़ी स्टे करने वाले हैं और कल हम विराटनगर एक जगह है वहाँ पर, एक नेपाल का बॉर्डर है, वहाँ से हम नेपाल एंटर करेंगे, उस बॉर्डर से हम कभी भी नेपाल एंटर नहीं करें, और एक दिन के लिए जाते हैं, 10 दिन के लिए जाते हैं, वो तो आपको धीरे धीरे ही बताएंगे, और कहाँ कहाँ ट्रैवल करने वाले, बिल्कुल नई जगह दिखाने वाले हैं आपको, मज़ा आएगा आपको, बस बने रहना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबा देना, मेरे को लग रहा है यहाँ पर ना तगड़ी हवा चलती रहती है, फ्लैग ऐसे उड़ रहे होते हैं, और बाइक पर तो ऐसी हवा लगती है ना कि कुछ जगह तो ऐसा लगता है कि बाइक साथ में उड़ जाएगी हवा के, इतनी तगड़ी हवा। हमारे स्टेन भाई का भी फ़ोन आ गया नेपाल से, उनको मैंने बोला 1 मिनट होल्ड पर रहना, जरा देखे यहाँ पर क्या है, आई थिंक इमिग्रेशन सेंटर है ये, दिस इज इमिग्रेशन एज़ वेल एज़ द पुलिस चेक पोस्ट, ओके, ऑल द चेकिंग्स विल बी डन बाय द पुलिस, ओके, शो द स्क्रीनशॉट व्हिच आर, ओके स्क्रीनशॉट दिखाना पड़ेगा, वो जो हमने मोबाइल में शुरुआत में एक स्क्रीनशॉट लिया था ना वो बारकोड का, वो यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। स्टेन भाई 2 मिनट में फोन करता हूँ आपको, ठीक है करता हूँ, इसी स्क्रीन शॉट से ना हमारी सारी डिटेल उनके पास पहुंच जाएगी A to Z। यस, डेट चेक करते हैं कि कौन सी डेट है आज, डेट से ज़्यादा तो नहीं चल रहे तुम, थैंक यू। ये मेरे ख्याल से पूरे भूटान का सबसे बड़ा चेक पोस्ट है, सारे इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट सब यहीं पर चेक हुआ है। फुनफ्लिंग रह गया सिर्फ 70 किलोमीटर, रिंग चिंडिंग क्या नाम लिखा हुआ था समझ नहीं आया, 65 किलोमीटर, ग्रीन भूटान, बिल्कुल सही बात है, जहाँ तक नज़र जा रही है पूरा ग्रीन ही ग्रीन है, बस ये वाइट फ्लैग को छोड़ के बीच बीच में बहुत सारी जगह वाइट फ्लैग, कलरफुल फ्लैग नज़र आते हैं, लेकिन ग्रीनरी बहुत ही है, पूरा भूटान ना पहाड़ों के ऊपर ही है, स्टार्ट से लेके एंड तक हम पहाड़ों पर ही घूम रहे हैं, प्लेन तो है ही नहीं कहीं पर भी। अभी अपने को दावा सर को रोकना है क्योंकि साहिबा की बाइक में रेड साइन आ गया है, टायर में हवा कम है, यहीं पर लगाते हैं बाइक साइड पे, टायर में हवा कम दिखा रहा है साहिबा की बाइक में, नहीं आपकी बाइक में सही है, वो कह रहे मेरा 6 किलोमीटर, एक बार चेक कर लेता हूँ, ज्यादा तो नहीं निकली हुई, ये रहा
बार बार ही कील दिख गया। ओ भाई साहब क्या तगड़ा कील है। चलेगा रेड साइन आ रहा ना, टायर प्रेशर नॉट एट सेट पॉइंट। हाय अपने पास पंचर की टायर कहते तो लगा लेते, नहीं तो लेकिन वो लोग के साथ बाइक का ये नहीं होगा। फिंसलिंग तक पहुंचेगा? ना ना फिंसलिंग तक नहीं पहुंचेगा, निकल रहा है ना हवा, देखो मीटर में लिखा आ रहा है। ओ तब इधर जेदू जाएगा, जेदू हम लगा लेते हैं, हमारे पास है। नहीं हो नहीं रहा, मेरे को डर लग रहा है कि मेरा ना हो जाए। क्यों डर लग रहा है आपको? ओ भाई साहब ये मेरा 100 राइडर्स आएगा। हां ये तो है, मैंने देखा वो। ओ देखो देखो जल्दी क्या की लगे। ये देखो भाई, सिस्टर टेक दिस बैक टू होम। संभाल के रखो भाई साहब, क्या कील है ये। पीछे तो दिख रही थी ना, मेरे को लगा इतनी होगी भाई, बाहर आते आते इतनी है। मैंने नहीं जिंदगी में नहीं देखी इतनी इतनी बड़ी कील, तो किसी टायर में नहीं देखी मैंने जिंदगी में, इतनी बाइक चला ली। तो भाई चलो लेट्स गो। 32 पॉइंट हवा भर गई है, 42 होनी चाहिए। तो मैंने उनको बोल दिया दावा जी को कोई टायर वाला है तो रोक लेना, चल जाएगी इसमें बाइक, लेकिन जितनी हवा होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए, वही सही रहता है। चल मेरे भाई आ जाओ आ जाओ। ये तो अच्छा हुआ हमने वहीं पर पंचर लगा लिया, दावा जी ने बोलता सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है पंचर वाला, और करीबन करीबन हम 12 किलोमीटर आ चुके हैं, अभी तक कोई पंचर वाला नहीं आया। और होता क्या है, टायर में से हवा निकलती रहे ना, और ज़्यादा निकल जाए और हम चला दे तो टायर ख़राब होने का डर होता है, और टायर ख़राब हो गया फिट नया टायर ढूंढने में बड़ी दिक्कत होगी, पंचर लगाने में दिक्कत नहीं है। आई थिंक कुछ तो आया है, गेदू आ गया, गेदू शहर का नाम है, GEDU यहाँ पर होगा हवा वाला, धीरे धीरे देखते हुए जाएंगे। अभी ये देखना कितना सही लग रहा है, बड़े सारे स्तूपा लाइन में है, सुंदर सुंदर। ये देखो ये स्पीति की याद दिला रहे हैं, स्पीति एंटर होते ही ऐसे दिखते हैं, आई लव स्पीति जहाँ लिखा हुआ है, सुंदर बहुत ही सुंदर। पेट्रोल पंप पे यहाँ पर होता नहीं है हवा वाला, ना पोल्यूशन वाला ना हवा वाला, किसी भी पेट्रोल पंप पे नहीं देखा मैंने। बाय 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 बाय, आई थिंक यही है हवा वाला, यहाँ भरेगी हवा। उनके उधर लगा दो दावा सर के उस साइड ना कॉर्नर पे, आगे 36 पीछे 42 दोनों चेक करा लेना। फ्लैक्स फ्लैक्स फ्लैक्स, कलरफुल फ्लैक्स। आई थिंक ये सेकंड इमिग्रेशन सेंटर है, यहाँ पर भी हमें सारे डॉक्यूमेंट चेक करवाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आगे जाएंगे। नंबर बैक साइड। तो हमने डॉक्यूमेंट्स चेक करवा दिए हैं, यहाँ मारेंगे ब्रेक क्योंकि बाकी सारे बाइक भी आ जाए ना। ओ कितना सही लग रहा है ना गोल चक्कर सा, लेकिन हमने वहाँ नहीं जाना, हमने यहाँ जाना है। फंसलिंग रह गए यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर बस, वहीं पर होगा बॉर्डर, भूटान को बाय बाय बोलने का टाइम नज़दीक आ रहा है। बहुत मज़ा आया यार, मन तो नहीं है बाय बाय बोलने का, लेकिन यहाँ पर एक एक दिन हमें बहुत महंगा पड़ता है। ये होता ना कि फ्री है या 200 रुपये एक दिन के लग रहे हैं, 500 रुपये लग रहे हैं, वो हो जाता है मैनेज, लेकिन एक दिन के 8-8, 10-10 हज़ार रुपये लग रहे हैं, तो बहुत सोच के चलना पड़ता है कि कितने दिन हमें यहाँ बिताने कितने नहीं बिताने। फुनसिलिंग शहर में आपका स्वागत है, वैसे फुनसिलिंग नहीं है, फुनशॉलिंग है, जिस हिसाब से अगर हम नाम को ढंग से प्रोनाउंस करें तो फुनशॉलिंग। ओह ये कौन है छोटे को, हेलो दावा सर, इनके साथ राइड करते हैं, इन्होंने बताया था यहाँ पर एक इनका ग्रुप भी है भूटान में। छोटो को हेलो, छोटो को हेलो, कैसे छोटो को हेलो, कैसे हो, ठीक हो, सब बढ़िया, कैसे हो, ठीक हो। माय लंच सेफ जर्नी जट एंड ग्रुप, और सबसे मेन चीज जिन्होंने हमारे लिए राजमा चावल रेडी करे हैं। रेडी है राजमा चावल, इतने दिनों से हमने घर का खाया नहीं ना, राजमा चावल खाने का मन होता है, तो सुबह ही दावा जी ने पूछा था क्या खाओगे, मतलब राजमा चावल खाएंगे, राजमा चावल रेडी। छोले भटूरे भी हैं, डाला भी था बिल्कुल अकड़ हुए भटूरे, ये अच्छे लग रहे देखने में। निकलने का टाइम है और ये सारे भाई लोग मिलने आते हैं, और भाई छोटो को कैसे पता लगा हम यहाँ पर है,
कैसे पता लगा? तो मैंने तो बोला ही नहीं हम यहाँ पर सबको डाल दिया। चलो बाय बाय। सर ने जाते हमें एक और गिफ्ट दिया है, एक बड़ा सा बैग दिया जिसके अंदर बहुत सारा सामान आ जाएगा, लेकिन अभी सेटल करने का टाइम नहीं है। अंधेरा होने से पहले पहले अपने को बॉर्डर क्रॉस करना है। अरे बाप रे बाप, इतनी सारी बाइक्स, ये सारी हमारे साथ बॉर्डर तक जाएंगी। चलो दावा सर आगे आगे जा रहे हैं, क्योंकि दोबारा से हमारा इमिग्रेशन वगैरह होगा, कुछ डॉक्यूमेंट है जो अपने को वहाँ सबमिट करने हैं, उसके बाद ही हम बॉर्डर क्रॉस कर पाएंगे। वो सामने गेट है, अपने को डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं ना पहले यहाँ पर, उसके बाद ही निकलेंगे आगे। अभी यहाँ पर सारी बाइक्स का लाइनअप लग जाएगा, देखो कितनी सुंदर लग रही हैं सारी बाइक साथ में। घुसा देना बीच में, चश्मा उतार के रहो ना भाई, दिख नहीं रहा। ओ दावा सर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, कोई बात नहीं, होता होता है, फिर मिलेंगे। आप कभी इंडिया आओ, बस ज़्यादा। अरे ये तो प्रपोज कर दिया इन्होंने। अच्छा मेरी बात तो सुन लो, हेलो, जब भी कभी इंडिया आओ, यस सर, आगे तो सुनो, हमारे पास मत आना, आओगे तो हमारा रेट है 7,000 रुपये एक दिन का। मजाक था ये तो। देखो हर कोई काम करने के लिए बना है, तो इनका अपना काम था, जो भी पैसे लिए एज पर गवर्नमेंट जो भी था, लेकिन इंडिया आएंगे तो हम मोस्ट वेलकम करेंगे आपको, ठीक है? चलो ध्यान रखना। अब बॉर्डर तक तो चलो, हाँ वहाँ से यू टर्न मार लेना, चलो। अबे चलो ना, यही से मना कर रहा, नहीं जाऊंगा। अरे चलो, देख रहा। हेलो, चलो, कह रहे नहीं जाऊंगा। मैंने बोला गेट तक तो चलो हमारे साथ, सारे डॉक्यूमेंट वर्क कंप्लीट हो गया, कह रहे आप लोग निकल जाओ बाहर, मैं नहीं जाऊंगा। मतलब क्यों नहीं जाओगे, बॉर्डर के गेट तक चलो हमारे साथ। ले आया मैं पकड़ के इनको। भाई ये वाला गेट कितना सुंदर है बॉर्डर का, है ना? सुंदर तो वो भी था, ये और भी ज़्यादा सुंदर है। ओके बाय बाय भूटान। यहाँ सारे डॉक्यूमेंट बनते होंगे, देखो बंदे कैसे आ रहे हैं। सही है, ये बॉर्डर भी अच्छा है, अंदर घुसते ही पूरे घर वर होटल वोटल बने हुए हैं। ओके बाय बाय दावा जी, फिर मिलेंगे, ध्यान रखना, थैंक यू। तो भाई बिल्कुल बॉर्डर के बीच में खड़ा हूँ LOC पे, ना ये भूटान है ना ये इंडिया है, अब हम लोग हो गए इंडिया एंटर। क्या बात है भाई साहब, इंडिया में घुसते ही भीड़ ही भीड़, मॉल ही मॉल। ओहो, इंडिया में घुसते फील ही अलग है, भीड़ देख रहे हो, रोड पे ही मार्केटें लगी हुई हैं, कोई भी कहीं भी घुसता जा रहा है। बाय बाय, फिर मिलते हैं, फील ही अलग है, फील ही। हाँ, मजा सा आ रहा है, इतने दिन बाहर लगा के अपने कंट्री वापसी आओ ना, अच्छा फील आता है। नारियल पानी देखो रोड पे पड़े हुए हैं, पियो जितने पीने हैं, वहाँ हमें एक नारियल पानी वाला नहीं दिखा पूरे रोड पे। और यहाँ से सिलीगुड़ी दिखा रहा है 152 किलोमीटर, 3 घंटे 50 मिनट, रात को 8:30 दिखा रहा है पहुँचेंगे। और ये जो शहर से हम निकल रहे हैं इसको बोलते हैं जयगांव। और भाई हमारी वीडियो बना रहे हैं, भाई को हेलो कर देते हैं वीडियो में। ये देसी अंडे चाय पत्ती में रंग करे हुए, सही है, पूरा बाजार लगा हुआ आगे तक, आधा किलोमीटर का जाम है हल्का हल्का ना। तो अपने कुछ भाई लोग अपने को आगे तक छोड़ने जा रहे हैं, एक आगे बाइक है, एक ये रही, 3-4 बाइक के पीछे हैं, और नंबर है इनका वेस्ट बंगाल का, आई थिंक ये यहीं के लोकल होंगे। ओके, चाय पत्ती के खेत ही खेत, दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है चाय पत्ती ही चाय पत्ती। इंडिया भी भाई किसी से कम नहीं है, कितना सुंदर लग रहा है, इधर भी चाय पत्ती है खेत, इधर भी खेती थे, अभी दो घर आ गए, आगे जगह फिर खेत आ जाएंगे। सूर्य देवता देखो क्या बढ़िया लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है। अभी हम नेपाल एंटर हो जाएंगे, फिर वहाँ के मज़े लेंगे, फिर वापसी इंडिया आ जाएंगे। बहुत सारे प्लान हैं आने वाले टाइम में, धीरे धीरे बताऊँगा, तभी तो कहता हूँ सब्सक्राइब के साथ साथ ना बेल आइकन भी दबा दिया करो, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। छोटों को हेलो। और क्या सही आ रहा ना सामने का व्यू, ऐसा लग रहा है कोई सीनरी है, पीछे पहाड़ है, खेत है, सूरज है, बादल है, ऑरेंज ऑरेंज है। ओके बाजी बाय बाय, थैंक यू यहाँ तक आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए बहुत खुशी रहा। अरे नहीं नहीं चल, ओके बाय बाय, ध्यान रखना, ठीक है? हमारी मंजिल चलती रहती है, लोग आते हैं जाते हैं, साथ निभाते हैं, टाइम हमारे साथ बिताते हैं, अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है, उन्हें भी अच्छा लगता है, लेकिन जर्नी चलती रहनी चाहिए। ओए यार, मैं तो सूर्य देवता को देख के खुश होता जा रहा हूँ।
कितने सुंदर लग रहे हो ना ऑरेंज ऑरेंज से। चल ठीक है, ध्यान से जाइयो, फोन करियो पहुंचने के बाद, ठीक है? चल बाय बाय। चलो भाई, मांग भी यहाँ से चला गया, मांग का घर पीछे से कहीं से है, कोई रास्ता कटता भाई। क्या बड़ा ट्रक है, क्या जा रहा है डिलीवरी के लिए। हाँ, और ये कुछ निकल रहा है, पद यात्रा, कोई पद यात्रा चल रही है। ओ दीदी ने सर पे कुछ रखा हुआ है। और सब बढ़िया, सब ठीक है? चलो सिलीगुड़ी 112, रंगपुर 170। अरे अरे ब्रेक ही मार ली भाई ने, वो पेट्रोल ख़त्म हो गया लग रहा, पेट्रोल ख़त्म। वेस्ट बंगाल पुलिस ट्रैफिक, ये सारा का सारा एरिया वेस्ट बंगाल पड़ता है, सिलीगुड़ी तक वेस्ट बंगाल ही रहेगा, पूर्णिया बिहार में आ जाएगा, उसके बाद बिहार से हम निकल जाएंगे नेपाल, नेपाल में एंटर होने के बाद हमें नहीं पता कहाँ से निकलेंगे। ये देखो जो आगे बस जा रही है ना, इसकी चेसी टेढ़ी है, पता नहीं कोपरे में पता लगेगा नहीं लगेगा, ऐसा लग रहा है राइट को जा रही है, पूरी गाड़ी ऐसे है उधर को राइट को घूमी हुई है, लेकिन सीधी जा रही है। पीछे से देख के हंसी आ रही है मेरे को ना, देखना आप मेरे ना फ़ोन पे चीख चीख के बात कर रहा है, ये देखो। किसी को डांट रहा है ये तगड़ा ही। तो हम लोग पहुंचने वाले हैं सिलीगुड़ी, सिर्फ 10-12 किलोमीटर रह गया, उससे पहले जो सिंगल रोड आती है ना, तगड़ा ही जाम है, आ जाओ निकल जाओ, थोड़ा सा है खाली। इसी रोड पे दिखा रहा है और यहीं कहीं दिखा रहा है, मैंने आदित्य भाई को फ़ोन कर दिया था कि हाईवे हाईवे पे कोई होटल बुक कर दो, तो मेरे ख्याल से यही होगा। हाँ यही है, यही है, घुसा देना अंदर। कैसा मेरे भाई, तू कहाँ से एकदम से निकल के आया? पीछे ही था, मैं घूम के आया। अच्छा तू घूम के आया, वो बीच में शॉर्टकट दिखा रहा था ना, वो छोटा रास्ता दिखा रहा था, मैंने बोला हाईवे हाईवे से निकल जाते ज्यादा बढ़िया है। सर्च कर रहा है एंट्री, और साहिबा ने कर लिया वाईफाई कनेक्ट, और आमिर देख रहा है मेरे को भी नेट मिलेगा नहीं मिलेगा। भाई इंडिया आ चुके हैं, तुम्हारी सिम चलेगी अब है ना, अब यहाँ वहाँ वाईफाई नहीं पकड़ना पड़ेगा हमें। सही बात, आदत नहीं रही हॉर्न सुनने की यार, वही अच्छी आदत है। वहाँ पर मजा आ रहा था ना, कोई हॉर्न नहीं कुछ नहीं, और अभी मुश्किल से हमने इंडिया के अंदर घुस के 150 किलोमीटर बाइक चलाई होगी, ऐसा लग रहा है भाई पूरा मिट्टी मिट्टी हो चुके हैं, आज नहाना पड़ेगा। भूटान में तो 2 दिन में नहा रहे थे क्योंकि मिट्टी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और भाई अपना आदित्य भाई पहुँच चुका है, भाई ने अपना होटल बुक करा दिया, टेंशन नहीं थी, सीधा अपना गूगल मैप लगाया, सीधा यहाँ पहुँच गया, कल सीधा आगे पहुंच जाएंगे। और बाकी सब बढ़िया एकदम, बहुत बाहर। आपका भूटान ट्रिप कैसा रहा? मजेदार भाई, ये लोग और आए हैं, और सब बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया, बढ़िया। चलो सही आपको है, देख के और बढ़िया हो गया, और दिल एकदम खुश हो गया। सही है, क्या अंधेरे में बैठा रहेगा, क्या चल गई लाइट? सामान पहुंच गया था पहले, और ये रूम है। ओ भाई पंखा चला दिया तूने फुल स्पीड पे, हाँ बढ़िया है, एसी नहीं दिया इन्होंने, अरे एसी भी है, गर्मी बहुत है भाई यहाँ पर, सच बता रहा हूँ। और ये है बाहर का नज़ारा, बहुत ही प्यारा, बस यही है। खत्म नज़ारे अब, कुछ खत्म, कोई नज़ारे नहीं है, कल से मिलेंगे आपको नज़ारे, बाहर कुछ भी नहीं है। रूम में एकदम बढ़िया सही तरीके से पहुंच गए हैं। बाकी ये कहना चाहूँगा, भूटान में थे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, इंडिया में मज़ा आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं कर रहा कि यहाँ मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ जो धूल मिट्टी हॉर्न कोई भी कहीं भी घुस रहा है, मतलब 7-8 दिन वहाँ बाइक चलाई ना आदत पड़ गई थी, हमें लग रहा था हम यहीं रहते हैं, कोई हॉर्न नहीं सुनाई दे रहा, कोई सामने से आ रहा है अपने आप ही ब्रेक मार लेता है, मतलब अलग ही लेवल की चीज़ थी। एक होती ना तारीफ, पीठ पीछे तारीफ, तो अभी तो भूटान में नहीं लेकिन पीठ पीछे भी तारीफ है, बहुत ही बढ़िया शहर है, अगर आप नहीं गए तो एक बार ही होके आओ ना, आपको मज़ा आए ना, नाम बदल देना, सबका नाम बदल देना, आमिर का, मेरा, हर्ष का, खन्ना का, सबका बदल देना। बाकी ठीक है, यहाँ पहुँच गए हैं, कल हम लोग नेपाल एंटर कर जाएंगे, पहले प्लान था आज ही एंटर कर जाएंगे, लेकिन वहाँ से निकलने में लेट हो गए, लेट 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 और भी लेट, और हम अकेले नहीं जा रहे, हमारे साथ 2-3 भाई और जा रहे हैं, वो सरप्राइज़ है, कल आपको पता लगेगा क्या क्या होने वाले कल के दिन में। बाकी होप करते हैं आपको आज की वीडियो में मज़ा आएगा, यहाँ तक आपने देख लिया लाइक कर देना, बिल्कुल मत जाना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, मिलते हैं किसी बड़े से वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।